लो मायरी, हो गया आपका बेटा पराया। अब तो बाजी आपके मुट्ठी में से गया। क्यों? अब तो वो अपनी सुंदर बीवी के इशारों पे नाचेगा। बाजी रुक रुक, खाना खाना, क्यों तंग कर रहा है मुझे, रुक जाना। बाजी नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाएगा खाना तू? मायरी क्या हुआ, क्या हुआ? अरे देवा देवा। मायरी मायरी कहाँ लगी, बताओ, मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद नहीं भागूंगा। मायरी बताओ ना कहाँ लगी। बताती हूँ, तुम इधर आ, इधर बैठ। अच्छा मायरी, तो आपने झूठ कहा ना, पर झूठ कहना तो पाप होता है ना? हाँ, झूठ बोलना तो पाप है, लेकिन तुम्हारे जैसे शरारती बच्चों को कुछ सिखाना हो ना, तो झूठ बोलना पड़ता है। बता, खाना क्यों नहीं खा रहा था, भगा क्यों रहा था मुझे? क्यों, मैं इतना बुरा खाना बनाती हूँ? जा, मैं तुझसे बात नहीं करती। क्या है ना मायरी, जब आप गुस्से में मेरे पीछे दौड़ती हो ना, तो बहुत सुंदर दिखती है। अच्छा, आज तुझे अपनी मायरी सुंदर लगती है, लेकिन बाजीराव, कल जब तू ब्याह के इस घर में अपनी पत्नी को ले आएगा, तब वो ही सुंदर लगेगी, है ना? अपनी मायरी को भूल जाएगा, है ना? नहीं मायरी, ये बाजीराव अपनी मायरी को कभी नहीं भूल सकता, फिर भले पत्नी आ जाए या पत्नियों की फौज आ जाए, बाजीराव अपनी मायरी का ही रहेगा। पत्नियों की फौज नहीं, एक ही पत्नी लाना, ठीक है? विवाह की विधि संपन्न हुई, किंतु अभी देवसु की एक प्रथा बाकी है, वो है शपथ संकल्प प्रथा। तुम्हें ये कलश हाथ में लेकर ये प्रण करना होगा कि तुम आज से यहां के नियमों का पालन करोगी। गंगा सिंधुश्च कावेरी यमुना च सरस्वती रेवा महानदी गोदा ब्रह्मपुत्रः पुनातु माम सर्वे पवित्र नद्याः जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। अरे बस्ते पे नजर डालो सेठ जी, कुछ तमाशा हो तो मजा आए शादी में।